केजरीवाल को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी अंतरिम जमानत। जब तक बड़ी बेंच करेगी सुनवाई तब तक की मिली जमानत। केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच के समक्ष भेजा। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को लेकर चुनौती दी थी। अरविंद केजरीवाल का मामला 3 जजों की बेंच को किया गया ट्रांसफर। 3 जजों की बेंच केजरीवाल मामले की करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है कि उनको जो है इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच में। केजरीवाल जी अभी कस्टडी में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग है। सीबीआई मामले में जेल में रहेंगे केजरीवाल। दिल्ली हाई कोर्ट में फिलहाल मामला लंबित। 17 जुलाई को हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान, ये केवल अंतरिम जमानत है, आम आदमी पार्टी के लिए कोई खुशी बांधने वाली बात नहीं है। अंतरिम जमानत का मतलब अपराध मुक्त होना नहीं होता है और जहां तक मेरी जानकारी, एक बार ऑर्डर आने दीजिए पूरा, अभी एक मामले में मिली है अरविंद केजरीवाल पे, तो भ्रष्टाचार के अनेक मामले हैं, तो एक बार निर्णय पूरा आने दीजिए उसके बाद समझाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी सरकार झूठे आरोपों के तहत किसी को भी डाल देती है जेल में। अब देश की हाईएस्ट कोर्ट ने उनको इंटरिम बेल दे दी। आप इस बात को समझिए, जैसे ही न्याय बिंदु जी ने अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में बेल दी थी, ये बात केंद्र सरकार को समझ में आ गई थी कि अब कई बहस पानी है, अब अरविंद केजरीवाल बाहर निकलने वाले हैं। इसीलिए सीबीआई जो है रातों रात अरविंद केजरीवाल के यहाँ गई, तिहाड़ के अंदर उनको उन्होंने अरेस्ट किया। केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला। कहा केजरीवाल की रिहाई रोकने के लिए लाई गई सीबीआई, साजिश के तहत सीबीआई ने किया था अरेस्ट। केजरीवाल सत्य के साथ थे और रहेंगे। ये जनता पार्टी को ये पता था, उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी, इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा दिया। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला। ट्वीट कर लिखा, ईडी ने झूठे केस में केजरीवाल को फंसाया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य की जीत। महंगी बिजली दर को लेकर दिल्ली बीजेपी का आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। प्रदर्शन के दौरान बैरिकेडिंग पर चढ़े दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। भारी संख्या में सुरक्षा बल के जवान तैनात। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान जारी है। 11 सीटों पर मैदान में उतरे हैं 12 उम्मीदवार। शाम 4 बजे तक होगी वोटिंग। महाराष्ट्र कांग्रेस को एमएलसी चुनाव से पहले झटका। कांग्रेस के 3 विधायक बैठक में पहुंचे नहीं, सिर्फ 34 विधायक की बैठक में रहे मौजूद। बिहार में गिरते पुल पर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर तंज। ट्वीट कर लिखा, पुल ही नहीं सुशासनी भ्रष्टाचार की मीनारें गिर रही हैं। सरकार ने पुल गिरने के मामले में बनाया है विश्व रिकॉर्ड। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की एक बार फिर मांग उठी है। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार का बयान, कांग्रेस की सरकार ने किया नजरअंदाज। पीएम मोदी से बिहार को आस। यूपीए की सरकार ने इसको नजरअंदाज किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी एनडीए की सरकार में बिहार को उन्होंने पहले भी दिया है, पहले भी बिहार के बारे में सोचा है, पहले भी बिहार के लिए धनराशि उपलब्ध कराई है। आईएएस पूजा खेड़कर की मां का वीडियो वायरल। हाथ में पिस्टल लेकर किसानों को धमकाती नजर आई पूजा की मां। रिपब्लिक भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के बंगले पर चल सकता है बुलडोजर। फुटपाथ पर अतिक्रमण का आरोप, पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टीम ने किया निरीक्षण।
आईएएस पूजा खेडकर की बढ़ी मुश्किलें, सरकार ने किया जांच कमेटी का गठन, निजी कार पर लाल बत्ती की भी होगी जांच। हाथरस भगदड़ मामले पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है। सीआईएसएफ जवान को थप्पड़ मारने वाली स्पाइस चैट कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज, एक दिन पहले महिला ने जवान को मारा था थप्पड़, दोनों के बीच सुरक्षा जांच को लेकर हुआ था विवाद। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनकी इस प्रेयर पर उनको कोई राहत नहीं दी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये पाया कि सफिशिएंट एविडेंस है ईडी के पास अंडर सेक्शन 19 की रिक्वायरमेंट्स प्रूव करने के लिए। और सेक्शन 19 की रिक्वायरमेंट क्या है, जरा एक मिनट सेक्शन खोल कर देख लीजिए। ये पीएमएलए एक्ट है, इसका सेक्शन 19 पढ़ के, बस एक सेंटेंस पढ़कर सुनाऊंगी। द डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड शुड हैव रीजन टू बिलीव एनी पर्सन हैज बीन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दी एक्ट, ही मे अरेस्ट सच अ पर्सन। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या पाया, सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास सफिशियंट मटीरियल था सेक्शन 19 की रिक्वायरमेंट प्रूव करने की। सेक्शन 19 की क्या रिक्वायरमेंट है कि आप प्राइमा फेसी दोषी हैं उस गुनाह के। इसका मतलब है आज सील ऑफ अप्रूवल लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। ये जो इंटरिम बेल मिली है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, ये सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को रिफर करा गया है। जब भी कोई चीज लार्जर बेंच को रिफर करी जाती है उसकी सुनवाई में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ दिन पहले ईडी ने एक बहुत ही डिटेल्ड चार्जशीट कोर्ट के समक्ष रखी थी। उस चार्जशीट के तहत व्हाट्सएप चैट्स साक्ष्य करके पता, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंग पिन हैं, उनके बहुत ही नजदीकी निकटतम रिश्ते हैं बाकी को अक्यूज्ड के साथ, और उनके निर्देश पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जो सांठगांठ है बाकी को अक्यूज्ड के साथ, उन्हीं के कारण 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स आम आदमी पार्टी के सरगना श्री अरविंद केजरीवाल जी ने लिया है शराब घोटाले में। उस 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ रुपीस आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हुए गोवा चुनाव में, और इसी के कारण आम आदमी पार्टी पहली पार्टी बनी है भारत के इतिहास में जो भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त है कि उसको भी अभियुक्त बनाया गया चार्जशीट में। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं डायरेक्शन नहीं दी, लेकिन एक इशारा जरूर करा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह इशारा करा है कि जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस प्रकार के अपराध में लिप्त होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को गुमराह कर रहे हैं, अपने साथियों को भी लिप्त कर रहे हैं, कभी सौरभ भारद्वाज जी का नाम लेते हैं, कभी आतिशी जी का नाम लेते हैं, कभी दुर्गेश पाठक जी का नाम लेते हैं, पर सत्ता के मुंह में इतने मदमस्त हैं कि सीएम की कुर्सी को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। इनकी इस जिद के कारण दिल्ली में एक पॉलिसी पैरालिसिस हो रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो रहा है। आज जो इंटरिम बेल की कंडीशंस हैं वो वही हैं जो उनको पहले भी दी गई थी, यानी 10 मई का ऑर्डर जिसके तहत उनको इंटरिम बेल गई थी वो कंडीशंस लागू होती हैं। और उन कंडीशंस के तहत दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सीएम के दफ्तर नहीं जा सकते।
दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कोई फाइल नहीं साइन कर सकते जब तक कि उसको एलजी ऑफिस के यहां फॉरवर्ड ना करना हो। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से पुनः अनुरोध भी करूंगी और उनको याद भी कराऊंगी कि उनकी इस जिद के कारण दिल्ली में एक टोटल पॉलिसी पैरालिसिस हो रखा है। सत्ता के मुंह में केजरीवाल जी मदमस्त है, दिल्ली की जनता त्रस्त है, उन्हें तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए। धन्यवाद। तो बांसुरी स्वराज को आप सुन रहे थे। बीजेपी की तरफ से यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और यहां पर साफ साफ उन्होंने कहा कि आज काफी महत्वपूर्ण फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के जरिए। आज जो ऑर्डर आया है इसमें अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है, बल्कि न्यायालय मोहर लगाई है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी के पास काफी सबूत हैं। तो ये बोलती हुई वो यहां पर नजर आई। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि ये जो अंतरिम बेल मिली है वो इसलिए मिली है क्योंकि लार्जर बेंच को ट्रांसफर किया जाता जिसमें समय लगता है। तो बांसुरी स्वराज यहां पर कह रही थी अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर कि अरविंद केजरीवाल अभी तक निर्दोष साबित नहीं हुए हैं, ये बड़ी बात कहते हुए बांसुरी स्वराज यहां पर नजर आई। और आगे बढ़ते हैं। पंजाब में खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल का भाई हरप्रीत सिंह गिरफ्तार। जालंधर पुलिस ने हरप्रीत को ड्रग्स के साथ पकड़ा। गिरफ्तारी से पहले नशा छुड़ाओ मुहिम चला रहा था अमृतपाल। इधर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री नागेंद्र को ईडी ने हिरासत में ले लिया है। आधिकारिक के सुसाइड से खुला था घोटाले का पूरा मामला। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बड़े स्तर पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। इलाके में 2 से 3 संदिग्धों के छिपे होने की खबर। मध्य प्रदेश के ढिंडोरी में शराब पीकर स्कूल के बच्चों को पढ़ाने पहुंचा एक टीचर, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कार्रवाई के बावजूद शराब पीकर स्कूल पहुंच रहे हैं शिक्षक। मध्य प्रदेश के सीधी में स्कूल के बच्चों से साफ कराया गया टॉयलेट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए। श्रीनगर से तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था रवाना हो गया है। अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने लगाए बाबा बर्फानी के जयकारे। लखनऊ में आम महोत्सव का किया गया आयोजन, प्रदर्शनी में सीएम योगी भी हुए शामिल। टीचरों के डिजिटल अटेंडेंस को लेकर एक्शन में सीएम योगी, शिक्षक संगठन से बात करके दिए निर्देश। डिजिटल अटेंडेंस का टीचर कर रहे विरोध। एमपी के भिंड की यूनिवर्सिटी में नकल करते पकड़े गए छात्र, सामूहिक नकल का वीडियो वायरल हुआ है, 2 दिन पुराना बताया जा रहा है वीडियो। यूपी के सहारनपुर में एसडीएम को मिली फोन पर धमकी, पुलिस केस दर्ज कर शुरू की मामले की जांच। यूपी के सहारनपुर में आरटीओ ऑफिस में एसडीएम ने मारा छापा, छापेमारी से मचा हड़कंप। रेड के दौरान 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। यूपी के रायबरेली में तकनीकी खराबी की वजह से एनटीपीसी यूनिट बंद, 210 मेगावाट का उत्पादन प्रभावित हो गया। दिल्ली के जाफराबाद में 16 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या, घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के बागपत में रुपयों से भरा बैग लेकर चोर भाग गए, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड, घटना मामले की जांच कर रही पुलिस। यूपी के गाजियाबाद में गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग हुई। यूपी के रायबरेली में पत्नी के साथ जा रहे युवक को दबंगों ने पीट दिया, हमला करने के बाद आरोपी फरार हो गए, घायल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही। दिल्ली के होटल में छात्र की हत्या, एसएससी की तैयारी कर रहा था छात्र, हत्या के आरोप में पुलिस ने गौरव नाम के लड़के को गिरफ्तार किया है, लड़की को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। यूपी के सहारनपुर में रिश्वत लेते एसीओ देवेंद्र कुमार शर्मा गिरफ्तार, एंटी करप्शन की टीम ने 10,000 की रिश्वत के साथ अरेस्ट कर लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, 5 तमंचे और 15 कारतूस बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया, आरोपियों के पास से बाइक और अवैध हथियार बरामद। यूपी के कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, बदमाश ने महिला से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है।
यूपी के गाजियाबाद में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाश को धर दबोचा। आरोपी पर लूटपाट और आर्म्स एक्ट समेत कई केस पहले से दर्ज। यूपी के बुलंदशहर में अस्पताल की तीसरी मंजिल पर लटका मिला कंपाउंडर का शव। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आदमी की हत्या से सनसनी। खेत में मिला आदमी का शव। मामले की जांच कर रही है पुलिस। कोलकाता में आइसक्रीम फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के बुलंदशहर में दिखा रफ्तार का कहर। अनियंत्रित ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में दो लोग घायल। यूपी के बुलंदशहर में बेकाबू होकर ट्रक पुल से नीचे गिर गया। हादसे में ड्राइवर और हेल्पर बुरी तरह घायल हुए हैं। अस्पताल में कराया गया भर्ती। नींद आने की वजह से हुआ हादसा। नेपाल के भरतपुर में जमीन खिसकने की वजह से बसें त्रिशूली नदी में गिर गई। बसें में सवार 63 यात्री लापता। सभी यात्रियों की तलाश जारी। नेपाल के भरतपुर में हुए हादसे पर नेपाल के पीएम ने जताया दुख। यात्रियों का पता लगाने के लिए एजेंसियों को दिशा निर्देश दिए। खराब मौसम को देखते हुए काठमांडू से भरतपुर और चितवन की सभी उड़ानें दिन भर के लिए रद्द कर दी गई। नेपाल में भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात। महाराष्ट्र में बारिश ने बढ़ाई परेशानी। सड़कों पर भरा पानी। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। गाड़ियों की धीमी पड़ गई रफ्तार। पानी जमा होने से लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली में मुनक नहर बांध के मरम्मत का काम जारी। एक दिन पहले बैराज टूटने से आसपास के इलाके जलमग्न हो गए थे। मुनक नहर का बैराज टूटने से जेजे कॉलोनी में पानी भर गया। आधुनिक मशीन की मदद से पानी निकालने का काम तेज हो गया। उत्तराखंड में भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। देहरादून और नैनीताल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बुलंदशहर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। जलजमाव को लेकर डीएम सख्त हो गए। पालिका प्रशासन को निर्देश दिए। यूपी के लखीमपुर में बाढ़ की वजह से लड़की नहीं पहुंच सकी अस्पताल। करीब 5 किलोमीटर तक बहन के शव को लेकर घूमते रहे दोनों भाई। लड़की ने तोड़ा दम। यूपी के शाजापुर में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। हर जगह पानी का कब्जा है। शाजापुर के कई इलाके में घरों में पानी भरने से सड़कों पर तैरता दिखा सामान। हालात बेकाबू होने पर प्रशासन ने सेना से मदद मांगी है। शाजापुर में भारी बारिश की वजह से अस्पताल और दफ्तर में पानी भर गया। पानी में तैरती दिखाई दी दफ्तर और फाइलें के कागजात। यूपी के शाहजहांपुर में भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाके में दिखा मगरमच्छ। घटना से मचा हड़कंप। जान बचाते दिखे लोग। पाकिस्तान के लोगों ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा पीएम मोदी की वजह से भारत की इज्जत बढ़ी है और हर कोई भारत से अब जुड़ना चाहता है। अमेरिकी एनएसए की भारत को चेतावनी। कहा रूस पर दांव लगाना ठीक नहीं है। संघर्ष में रूस चीन का ही पक्ष लेगा। नाटो की मीटिंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की फिसली जुबान। जेलेंस्की की जगह पुतिन को बताया यूक्रेन का राष्ट्रपति।